तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। लेफ्ट पार्टी की भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली चल रही थी और इस रैली के मंच पर नीतीश कुमार भी पहुंचे। लगा कि मंच पर नीतीश पहुंचे हैं तो विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की एकता पर कोई बड़ी बात कहेंगे, लेकिन बोलते बोलते नीतीश कुछ ऐसा बोल गए कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता सवालों में आ गई। नीतीश कुमार ने यहां पहुंचकर कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी की है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव की अनदेखी कर पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पर ज्यादा ध्यान लगाने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, जरा सुनिए। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी पांच जगह विधानसभा का चुनाव है तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई ये सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं पांच राज्य के चुनाव में, इसलिए पांच राज्य का चुनौवा होगा उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आज करूं कभी कोई चर्चा नहीं हो। जैसे ही नीतीश कुमार का बयान सामने आया वैसे ही पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और कांग्रेस ने भी ये बात माना कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते ज्यादा ध्यान आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पर दे रही है और जब ये चुनाव निपट जाएंगे उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो वो कांग्रेस के लिए गंभीर चुनाव होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पांच राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस का पूरा फोकस उन पांच राज्यों का चुनाव जीतने पर है। तो नीतीश जी जो कह रहे हैं वो सच है एक हद तक कि अभी बहुत ध्यान इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस का नहीं है, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय सहयोगी हैं जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी हैं, ये सब लोग इंडिया गठबंधन का काम देख रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इनके भरोसे इंडिया गठबंधन की ताकत बनी रहेगी और 24 में मोदी हारेंगे। नीतीश कुमार के बयान के बाद बीजेपी को भी इंडिया गठबंधन की एकता पर हमला बोलने का मौका मिल गया और बीजेपी ने भी नीतीश कुमार पर फ्रस्ट्रेट होकर ये बयान देने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि क्योंकि नीतीश कुमार की नजर प्रधानमंत्री पद के दावेदार या संयोजक पद पर थी, लेकिन इंडिया गठबंधन में उनको कोई बड़ा पद मिला नहीं, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर नीतीश कुमार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने कही। आज सीपीआई के मंच से नीतीश कुमार का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा था, जो वो कांग्रेस को कोस रहे थे वो साफ दिखाई इनको पड़ना शुरू हो गया है नीतीश कुमार को कि कांग्रेस और लालू मिलकर के इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। एक तरफ लालू यादव मुख्यमंत्री पद से इनको हटा करके जल्दी से अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद दिलवाना चाह रहा है, तो वहीं कांग्रेस इनका संयोजक पद जो है उससे दूरी बढ़ा करके वहां राहुल और खड़गे का नाम आगे कर रहा है। तो अब तो इनका बेचारे का न जनता साथ दे रही है, न इनका दिमाग इनका साथ दे रहा है, न इनका लालू यादव का साथ मिल रहा है, न कांग्रेस साथ दे रही है। तो बेचारे फ्रस्ट्रेशन में हैं और वो फ्रस्ट्रेशन अब बोल रहा है। जो मन से बोले हैं वो नीतीश कुमार का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा था। बता दें कि लेफ्ट पार्टी की तरफ से भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली ऑर्गेनाइज पटना में किया गया था। बड़ी संख्या में भीड़ भी यहां पर जुटी, मंच पर नीतीश भी पहुंचे, लेकिन बोलते बोलते कांग्रेस पर जो नीतीश कुमार कह गए उसने बिहार की सियासी पारे को चढ़ा दिया। बता दें कि 2015 में एक ऐसा दौर था जब नीतीश कुमार आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस पर भरोसा किया करते थे। उस दौर में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा विधानसभा चुनाव में सीट दिलवाने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने ही निभाई थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ऐसा लग रहा है कि नीतीश की चाहे पीएम पद की दावेदारी की बात हो, संयोजक पद में उम्मीदवारी की बात हो, थोड़ी बहुत दूरी नीतीश कुमार की कांग्रेस से फिलहाल पिछले दिनों में बनती दिखी है। कांग्रेस भी बिहार में दो मंत्री पद मांग रही है तब से नीतीश कुमार से, लेकिन नीतीश कुमार से वो देते नहीं बन रहा। अब एक बार फिर से तीखा बयान नीतीश कुमार की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर आया है। देखना होगा इसका कितना असर इंडिया गठबंधन की एकता पर पड़ता है। बिहार के खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।